करें आज आपके साथ इस लाइव ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम, वैलेंटाइन डे। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल आवर व्यूअर्स। जी यस सर, ये हम आपके लिए लाए हैं मस्त मॉर्निंग चटपटी चिटचैट और लाइव कॉल। जी हाँ, हमारे साथ आज इस सेट पर मौजूद हैं बहुत सारे गेस्ट जो आपको एंटरटेन करेंगे और होगी बहुत सारी चिटचैट। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं वैलेंटाइन के डे के हवाले से, इस पे तो बिलीव ये अर्जुमनी करती हूँ और यही आपको बताएंगी कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बिलीव पर बिलीव करती हूँ, तभी आज मैं सेट पर मौजूद हूँ और असफर मेरे साथ हैं। टॉपिक आपने प्रोमो में देखा जो हम इतनी देर दिनों से हमने ऑन एयर किया हुआ था और हमारा टॉपिक है कि हाउ कुड यू फाइंड योर ट्रू लव, जिसका मतलब असफर जैसे लोगों को अंग्रेजी में नहीं समझ आएगा तो मैं आपके लिए उसको डिक्टेट करती चलूं। मैं इसको करता नहीं, इस वजह से अर्जुमन आपको ज्यादा अच्छा गाइड करेंगी। जी हाँ, तो उन लोगों को जिनको नहीं समझ आ, बताइए हमको लाइव कॉल करें और बताइएगा कि ट्रू लव को कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए ये तो मुझे कट करते रहेंगे लेकिन मैं अपनी बात करूंगी कंटिन्यू। तो हमारा टॉपिक ये है कि हाउ कुड वी फाइंड आवर ट्रू लव। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन में, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आप हमें कॉल्स करके अपने लव्ड वंस को बहुत सारे सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो आप बताएं। और अपने हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने लाइव कॉलर अपने लवर्स को कॉल करके आप उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं, आप उन्हें सॉन्ग डेडिकेशंस भेज सकते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। जी हाँ, अपने सच्चे प्यार का इजहार कर सकते हैं जो कि हमारे टॉपिक में मेरी तरह। अब बस इनका प्यार तो मैं अब आपको डिटेल्स तो शो के दौरान पता चलती ही रहेंगी कि असफर तो माशाल्लाह आज भी बड़ी मुश्किल से एग्री हुए हैं इस शो करने पर क्योंकि इनकी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा थी बहुत सारे लोगों से। तो असफर आप बस मैं इस शो तक बिजी हूं, उसके बाद तो आपका लॉन्च शेड्यूल होगा माशाल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी मैं अपने सारी जो आज मेरी डेटिंग पॉइंट्स हैं। जी जी, ये आपको जी जी आज का शो तो आप बिल्कुल मिस ना कीजिए, जरूर देखिए क्योंकि इससे आपको मिलेंगे बहुत सारे मशवरे, बहुत सारे आइडियाज हाउ टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन, लड़कियों को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है, कराची के फेमस डेटिंग पॉइंट्स क्योंकि असफर दी एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं अपने शो में जो आपको इन तमाम चीजों के बारे में डिटेल से बताएंगे। और हमने आपके अपने शो में प्रोग्राम में हम बुलाई हैं गर्ल्स भी जो लड़कों को बहुत आसानी से पागल बना के उनका खर्चा करवाते हैं। माय गॉड, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको पागल बनाता है ना। व्यूअर्स, हम आपको इस शो को कैरी ऑन करने से पहले मैं आपको बताती चलूं थोड़ी सी हिस्ट्री वैलेंटाइन डे के हवाले से। इस शो को तो सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है लेकिन आज तक असफर और इन जैसे बेशुमार लड़कों को ये नहीं पता कि वैलेंटाइन डे कहां से ओरिजिनल। असफर आप जानते हैं? नहीं, मुझे इस बारे में जानना भी नहीं है। नहीं, इनको सिर्फ सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करनी चाहिए लाइफ, सिर्फ एंजॉय करनी चाहिए। एंजॉय आप एंजॉय करें लेकिन देखें आप जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके लिए आप इतना हल्ला गुल्ला पैसा खर्च कर रहे हैं कम से कम आपको उसके ओरिजिन का तो पैसा तो हम खर्च करते नहीं, हमसे करवाया जाता है, गर्लफ्रेंड पैसे खर्च करवाती हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नंबर हमारा जो है वो विजिबल है, उसके थ्रू आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आप मेरे साथ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। ये तो कॉलर्स ही बताएंगे कि मेरे साथ नहीं आपके साथ, और क्योंकि आई एम श्योर कि बेशुमार लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी जो भी कमिटमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक ही लड़की के साथ होनी चाहिए, ना कि असफर की तरह। और आप बोर नहीं होइएगा क्योंकि अर्जुमन बोर के साथ मुझे यकीन है कि आप बोर हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत बोलती हैं, इनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे बर्दाश्त तो वक्त बताएगा कि कौन किसको करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस ट्रांसमिशन को हम कैरी ऑन करेंगे और बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे। पहले हम जानते हैं वैलेंटाइन डे कब से शुरू हुआ, कैसे मनाया जाता है, हवाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इस पर थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। सबसे पहले मेरे तरफ से, असफर की तरफ से और बी प्लस की पूरी टीम की तरफ से हमारे देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक स्पेशल वैलेंटाइन सॉन्ग हम डेडिकेट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। पे प्रेमी मिलते हैं, तोहफा दे के अपना प्यार जताते हैं, दिल की बात मैं कह दूं तुमको आज ही, जिससे मुझे है प्यार वो लड़की है यही। वैलेंटाइन डे के दिन मैं कह दूं अनकही, के दिन मैं कह दूं अनकही, तू ही है मेरे दिल में, तू ही है मेरे दिल में, तू ही है हर कहीं। वैलेंटाइन डे के दिन मैं कह दूं अनकही।
दिन मैं कह दूं अनकही। आपने सुना होगा सॉन्ग और एंजॉय किया होगा आई होप, और आप अर्जुमन बताएं डिटेल आपके। हाँ, क्या बिल्कुल आई होप कि आप, हमने जो वैलेंटाइंस डे अभी ऑन एयर किया आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया होगा। इट वाज अ स्पेशल डेडिकेशन फ्रॉम टीम ऑफ बी प्लस टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड आई होप यू लाइक इट। मैं आपको बताती चलूँ वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री, मैं इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कि असफर मुझे मुसलसल इंटरप्ट किए जा रहे हैं। नाज़रीन, वैलेंटाइंस डे का जो ओरिजिन होता है उसका जो हम रिलेट करते हैं, बेसिकली एक सेंट था जो एंशिएंट रोम में, ही वॉज अ क्रिश्चियन बेसिकली, तो उसके दौर में वहाँ का जो हुक्मरान था वो उसने क्रिश्चियंस के खिलाफ एक तहरीक जारी की, एक तहरीक चलाई, और ये जो सेंट वैलेंटाइन था। मेरा ये भी एक क्वेश्चन है अर्जुमन आपसे, वैलेंटाइंस डे के लिए क्या जरूरी है आपके साथ कोई बॉयफ्रेंड या आपके साथ कोई गर्ल्स हो उनके साथ ही हम नाज़रीन असफर की पूरी कोशिश है कि मैं आप तक ये नॉलेज ना पहुंचा सकूं, लेकिन मैं फिर इनके सवाल को कट करते हुए वापस आऊंगी अपनी स्टोरी की तरफ। तो मैं आज आपको पूरा पकाएंगी, पूरा पकाएंगी। नहीं, पकाना नहीं है, इन लोगों को एक्नॉलेज करना है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, लेकिन देखें जो चीज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके हवाले से मुकम्मल नॉलेज। ये बहुत सीरियस है प्यार के बारे में, बहुत सीरियस है। जी हाँ, मैं तो बहुत सीरियस सारे जी हाँ मैं बहुत सीधे से और बहुत कमिटेड हूँ, और उस अपनी राय से मैं आपको मुसलसल आगाह करती रहूंगी। तो मैं यहाँ तक पहुंची थी कि जो सेंट वैलेंटाइन था ही वॉज अ क्रिश्चियन जो एंशिएंट रोम के जमाने का था, और जब उसके खिलाफ तहरीक चलाई गई तो उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। इम्प्रिजनमेंट का मतलब असफर ही होता है कि उसको जेल भेज दिया गया। अब मैंने इसको इसलिए ट्रांसलेट किया क्योंकि आई वॉज श्योर कि असफर को ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो असफर और उन जैसे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो नहीं है, मैं इनकी सुन लेता हूँ कि अब ये इनको बोलना है शो में, ज्यादा बोलना है और आपके आपको ज्यादा पकाना है, तो इस वजह से आपको ज्यादा बोर नहीं होइएगा। जी वो तो आप वो तो हमारे कॉलर्स हमें कॉल करेंगे और बताएंगे कि कौन किसको पकाता है। स्टोरी मैं अपनी कंटिन्यू करूंगी, उससे पहले हमारे साथ सेट पर आज दो गेस्ट मौजूद हैं जिसका जिन्हें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे। व्यूअर्स, हमने कोई सेलिब्रिटीज तो नहीं बुलाए, हमने जो गेस्ट आज बुलाए हैं वो आप ही में से, यानी हमारी यूथ में से ही लोग हैं, क्योंकि आज की हमारी ट्रांसमिशन का मकसद ये था कि हम अपनी जैसे यूथ के हवाले से जान सकें कि वो आज सेलिब्रेट करना चाहती है वैलेंटाइन डे, स्पेशली वो आज के दिन के हवाले से क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ भैरिया यूनिवर्सिटी से मोहसिन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमन, क्या हालचाल है आपका? खैरियत से? और अगर आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से मिस मारिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? कैसी हैं मारिया, आप सुनाएं आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मोहसिन, आप मुझे बताइए वैलेंटाइन डे के हवाले से आप क्या सोचते हैं? देखें, वैलेंटाइन डे एक आपको मौका मिलता है जिसमें आप तीन या चार डेज इकट्ठी मार सकते हैं, और उसमें ये होता है कि घर से मोहसिन एक सवाल मैं आपको कट करके ये पूछना चाहूंगी कि आप आज यहाँ इस शो पर अपना ओपिनियन देने आए हैं, असफर जैसे लड़कों को आप सपोर्ट करने आए हैं? मैं देखें ओपिनियन भी देना और लड़कों को थोड़ी सी गाइडलाइंस भी मिल जाए, क्योंकि कई दफा ये होता है कि थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि हमारे साथ मोहसिन दी स्कॉलर मौजूद हैं जो आज लड़कों को देंगे वेरियस टिप्स हाउ टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। जैसे कि एक तो हमारे साथ असफर दी एक्सपर्ट मौजूद हैं और एक है हमारे साथ मोहसिन दी स्कॉलर फ्रॉम भैरिया यूनिवर्सिटी। तो हम वापस चलते हैं मोहसिन की तरफ और उनका ओपिनियन जानते हैं। जी मोहसिन, आपको मैं बता रहा था कि देखें आप एक लड़की से अगर आप कमिटमेंट करते हैं कि जो आप कह रहे थे कि सिर्फ एक ही लड़की से होनी चाहिए, जी जी बिल्कुल, आप उसकी कितने दिन सुनेंगे? मैं आपको इतनी देर तकरीबन 10 मिनट बैठ कर मैं सुन के पक गया हूं, तो आप एक लड़की कितनी देर सुनेंगे? ये तो डन हो गया। और मैं शो के बाद डेफिनेटली ये जानना चाहूंगी कि असफर को कितना टाइम लगा मोहसिन को कन्विंस करने में कि वो इस शो पर आकर मुझसे तजादराय पेश करें। व्यूअर्स, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? से बात कर रहे हैं? मैं जवाहरुल रहमान बोल रहा हूँ। ये थोड़ा आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे, हम आपको सही से सुन सकते हैं। अपना नाम दोबारा बताइए प्लीज। मैं जवाद बोल रहा हूँ। जी जवाद, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू एंड टू एंटायर ऑफ योर फैमिली, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोहब्बत जो है ना वो कोई टाइम लिमिट नहीं मांगती, कोई दिन नहीं मांगती। ओके।
मोहब्बत तो कभी भी इजहार किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जवाब, हेलो। जी जी जवाब हम आपको सुन सकते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। और दूसरी बात ये कि जैसे मेरे भाई बोल रहे थे बहरी यूनिवर्सिटी से जो आए हुए हैं कि आप एक दिन के अंदर चार चार डेट्स मार सकते हैं, मतलब आप तो मोहब्बत को तो इसका मतलब आप जानते ही नहीं है, आप लेकिन फ्लर्टिंग करते फिर रहे हैं। नहीं 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 जवाब देखिए, जवाब आप इस टाइम कहाँ हैं, आज आपने सेलिब्रेट किया, आपने आज का कोई आपका प्लान है जवाब? जवाद असफर आपसे पूछ रहे हैं कि इस आज के दिन के हवाले से आपका परसेप्शन हमने जाना, बहुत शुक्रिया आपका। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? क्या प्लान्स हैं आज? जवाद आवा मैं सुन सकते हैं? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, हम वापस चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। जवाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और अर्जुमानी है तो आपकी तरह बोरिंग, आई न्यू वो तो असर आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कितने और बोरिंग लोग आपको कॉल करके। अच्छा, हम आपसे हम आपसे कंटिन्यू बात करते रहेंगे, हम चलते हैं अपने दूसरी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने। जी जी मारिया, आप सवाल करना चाहेंगे वरना आप अगेन कहेंगे कि मैं ही बोलती रहती हूं। नहीं 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 नहीं, मारिया आपके लिहाज से वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? वैलेंटाइन डे आपने कभी आज वालों का दिन होता है, आप फ्लर्ट करने वालों का दिन नहीं होता, इसलिए आपको एक ही लड़की के साथ वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। आपने आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया? नहीं। अगर आप करना चाहें तो उसमें जिसके साथ आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहेंगे उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको आपको क्या होने चाहिए, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको पसंद हो और आप उनके साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो सच बोलता हो। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपसे सच्चा बोलता है? थोड़ा सा मैं इस मौके पर कहना चाहूंगी फिर तो आप सारी जिंदगी कमारी रह जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। सच की मशीन मतलब साथ लगा दे तो पता चल जाएगा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से बात कर रही हैं? जी कौन बात कर रही है, सुन सकते हैं आपको? कौन और कहाँ से बात कर रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ नाज़रीन कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। ये मुझे पता था ये मेरी फेवर के लिए कॉल है इसलिए ड्रॉप कर दी गई। ओ माय गॉड, इनके कहने का मकसद है कि इनको फेवर करने के लिए कॉल है इसलिए ड्रॉप कर दी गई, लेकिन सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है नाज़रीन। तो हम वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी मोहसिन, अच्छा मैं आपसे कह रहा था, आप वो कह रहे थे ना कि एक ही लड़की होनी चाहिए जिसके साथ आप अपने कमिटमेंट करें। हाँ, अब ये चीज बताए लड़कियों के पास बात करने के लिए क्या होती है? मेरे आपने कपड़े देखे, आज मैंने ये पकाया था, आज मैंने वो पकाया था, यार आप कितने की सुनोगे ये चीज? अच्छा, आप चेंज होनी चाहिए आपका, यानी कि आपको चेंज होना चाहिए वक्त के साथ साथ, और ये चीजें जो है ना आपको अब देखा। मोहसिन हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम फाइजा। फाइजा, कैसी हैं आप? हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू सो मच फाइजा। फाइजा आप क्या कहना चाहेंगी, आप मेरी मुझे फेवर करना चाहेंगी या अर्जुमन को? मैं अंजुमन को फेवर करना चाहूँगी। नहीं नहीं, ये फायदा ये चीज गलत है, आपको असफर को फेवर करनी चाहिए। ये अच्छा, आप अपने सच्चे प्यार को, आपने टॉपिक तो सुना होगा, आप अपने सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमें आइडियाज दें। हेलो, ये भी हमारी फेवर में जा रहा था जो लाइन ड्रॉप। जी नहीं नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हमारे साथ हो गई, लेकिन फाइजा बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू फाइजा। यस, मारिया की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू। अब मारिया की तरफ चलते हैं, मारिया हमें बताएंगी कि हम अपने सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं। असफर ने इस वक्त सिर्फ मुझे इसलिए कट किया है ताकि मैं अब क्या कहूँ, ताकि इसी तरह लोग मुझे कॉल करके सपोर्ट न करते, इज गेटिंग जेलस ऑफ मी, लेकिन आई एम श्योर कि आप इसका मतलब तो बता दें, मुझे समझ नहीं आता। बस आप काश आप स्कूल चले जाते, काश आप इसी तरह वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होते। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से बात कर रही हैं? मैं जी, मैं अर्जुमन इज हियर हियर वेरी मच। क्या बात करना चाहेंगे आप? अर्जुमन जी, मैं
हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। कौन बात कर रही है, अपना नाम बताइए। मैं आपकी खाला बात कर रही हूँ। फेवर भी अरे आप फेवर कीजिएगा वॉइस को। अब तो आपको पता लग गया होगा कि अर्जुमन ने बोला था मुझे कॉल करके मुझे ही फेवर करेंगे। अब तो आप पता चल गया पूरा स्टोरी। अच्छा, वो फायदा को भी आपने बोला था कॉल करने का। गॉड, अब ये तो टॉपिक डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि असफर भी अपने मामू और चाचू को कह के आ सकते थे कि वो उन्हें कॉल करके सपोर्ट करें। बट बहरहाल थैंक यू सो मच अपिया फॉर कॉलिंग एंड आई विल गेट इन टच विद यू इंशाल्लाह। जी मोहसिन, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये बताइए, सबसे पहला वैलेंटाइन आपने कब सेलिब्रेट किया था? सबसे पहला वैलेंटाइन मेरा ख्याल ज्यादा 5, 4, 3, 2, 1 नहीं, मैंने सेकंड ईयर में किया था। सेकंड ईयर में कहाँ सेलिब्रेट किया था? सेकंड ईयर में मैंने किया था और उससे पहले हमने प्रिपरेशन की थी पूरी। अच्छा, मेरे साथ मेरा दोस्त होता था यासिर तुफैल। जी जी। तो उसने प्रिंट आउट कार्ड्स निकाले थे पूरे ना कंप्यूटर के थ्रू। उसमें आपने फुल नंबर, मतलब फुल ऑन बांटे आपने, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद कॉल आई, कॉल के बाद हमने पूरा उसके बाद बातचीत चेक करते करते उसके बाद फिर हम लोग डेट पे गए थे। राइट। और हम लोग सबसे पहले गए थे मैकडोनल्ड्स मिलके गए थे। देखिए, फ्रेंड को कभी भी नहीं बताना डेट के लिए। फिर मोहसिन को कट करूंगी और मैं आपको बताती चलूँ की मोहसिन दी स्कॉलर की तरफ से एक जदीद टिप सामने आई है की अपने हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जैन, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। लाहौर है भाई, लाहौर जिंदाबाद। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी हाँ, कराची से बात कर रहे हैं। जैन, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं? माशाल्लाह, वो मैं देख रहा हूँ, फूल बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। ओके जैन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नाजीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। मस्ती रहेगी, जा रही हो सारी, कीप वाचिंग। जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी बैक सून।